अपन ले रहे हैं आज इन सेंटर एंड सेंट्रोइड, ट्राइंगल का इन सेंटर एंड सेंट्रोइड, अंतर केंद्रों केंद्र। बिल्कुल सीधा सीधा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो क्या स्टोरी देखिए आप। सबसे पहले बात करते हैं अपन इन सेंटर की। कई बार तो सीधा सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, इन सेंटर क्या होते हैं सर, अंतर केंद्र। ये ट्राइंगल आपका ए बी सी एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, ये एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें इन सेंटर का मतलब होता है एंगल बाइसेक्ट, एंगल बाइसेक्टर। कल को अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लें कि अंतर केंद्र की क्या कहानी है साहब, तो इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाले जो लाइन होगी, इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये वाली पार्टी भी के भी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा सर। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर की जो कॉन्सेप्ट है उससे क्या बनता है, इन सेंटर बनता है इस वाले ट्रायंगल से। तो इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, सपोज ए के कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स टू वाई टू और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स थ्री वाई थ्री। तीन कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, कोई ना कोई कोऑर्डिनेट गिवन होगा और आपसे पूछेगा कि इन सेंटर बताओ साहब। तो इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे, तीन डिस्टेंस निकाल लेना। जैसे ये वाली डिस्टेंस डी वन ले लो, इसको डी टू नाम दे दो, इसको डी थ्री नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे एक्स वन ये वाला कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई डी वन, राइट है। फिर आप एक्स टू ले लो, एक्स टू मल्टीप्लाई हो जाएगा डी टू से, मतलब इसके अपोजिट वाली डिस्टेंस है। फिर एक्स थ्री मल्टीप्लाई बाई डी थ्री, राइट है, एंड डिवाइडेड बाई डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, मतलब तीनों डिस्टेंस का जो सम है वो डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा वाई वन डी वन वाई टू डी टू वाई थ्री डी थ्री और डी वन प्लस डी टू प्लस तीनों डिस्टेंस का सम। इससे अपन को किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, ओके एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये रहा एक्स वन ये एक्स टू एक्स थ्री, एक्स वन के सामने वाली साइड की डिस्टेंस एक्स टू के सामने वाली और एक्स थ्री के सामने वाली डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये तो स्टोरी है इन सेंटर की। सेंट्रोइड क्या होंगे, सेंट्रोइड के अंदर क्या स्टोरी है कि वर्टेक्स अपोजिट साइड्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, और तीनों पॉइंट्स की ये सेम स्टोरी होगी। तो ये आपका क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। तो इसके अंदर क्या है, ये सामने वाली साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब जितना पार्ट इधर होगा उतना ही पार्ट इधर होगा। तो यहाँ पे इक्वल कॉन्सेप्ट रेशो यूज होता है, वन रेशो वन। तो फाइनली इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, वही तीन कोऑर्डिनेट गिवन होंगे आपके पास, और इधर हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री। तो यहाँ पे ये हो गया सेंट्रोइड मतलब केंद्रक, और ये हो गया इन सेंटर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं अपन के, तीन कोऑर्डिनेट गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है, इन सेंटर पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, सबसे पहला काम ट्राइंगल बना लेना, इससे क्या मिस्टेक नहीं होती। ये हो गया वन रूट टू, ये ए पॉइंट, बी के कोऑर्डिनेट हो गए जीरो जीरो और सी के टू कोमा जीरो, मतलब ये आपका एक्स वन वाई वन हो गया, कोई सा नाम एक्स टू वाई टू हो गया, ये एक्स थ्री वाई थ्री हो गया। सबसे पहला काम क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस वही टेंथ लेवल का कॉन्सेप्ट है, कैसे निकालते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, दो कोऑर्डिनेट गिवन हो तो। जैसे मुझे ए बी की डिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, ए बी की डिस्टेंस के लिए वन में से जीरो माइनस करूँगा, वन ही आएगा तो वन का स्क्वायर हो गया वन, और रूट टू में से वन जीरो माइनस करूँगा तो भी रूट टू ही आएगा, रूट टू का स्क्वायर हो गया टू, मतलब इसकी डिस्टेंस आ गया रूट थ्री, राइट है। बी सी की डिस्टेंस अगर मैं निकाल रहा हूँ, ये डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं ना, बी सी की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, टू में से जीरो माइनस करूँगा तो टू का स्क्वायर हो गया फोर, और जीरो में से जीरो माइनस करूँगा जीरो का स्क्वायर जीरो, मतलब रूट फोर, मतलब टू डिस्टेंस आ गई। इधर ए सी की डिस्टेंस निकालूंगा मैं, तो ए सी की डिस्टेंस निकालने के लिए रूट लिख दिया मैंने, टू में से वन माइनस किया वन का स्क्वायर वन, रूट टू में से जीरो माइनस किया रूट टू का स्क्वायर, मतलब ये आ गया रूट थ्री। आपकी इच्छा है, आप इसको डी वन नाम दे दिया, इसको डी टू नाम दे दो और इसको डी थ्री नाम दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए है ना, सेंट
क्या निकालना है, इन सेंटर निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, एक्स वन मल्टीप्लाई डी वन, एक्स टू डी टू और एक्स थ्री डी थ्री, और डिवाइड में क्या आएगा, डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री। तो देखते हैं, देखा एक्स वन की वैल्यू क्या है, वन, इसके सामने वाली डिस्टेंस कितनी है, टू, तो वन मल्टीप्लाई टू। एक्स टू कितना है, एक्स टू जीरो है साहब, तो मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। डी टू कितना है वैसे, रूट थ्री। एक्स थ्री, एक्स थ्री कितना है, टू। डी थ्री की डिस्टेंस कितनी है, रूट थ्री, और अपॉन में तीनों डिस्टेंस का सम, तो तीनों डिस्टेंस का सम हो गया टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री। तो ये हो गया अपने पास टू रूट थ्री प्लस टू, भाई रूट थ्री और रूट थ्री का सम तो हो गया टू रूट थ्री प्लस टू। अगला क्या था अपने पास, वाई वन डी वन, वाई टू डी टू और वाई थ्री डी थ्री, और डिवाइड में वाई सेम डिस्टेंस का सम। y1 कितना है, रूट टू, तो ये आ गया रूट टू मल्टीप्लाई डी वन, डी वन कितना है, टू। फिर y2 कितना है सब, y2 है अपने पास जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई कोई मतलब ही नहीं है। और y3 कितना है अपने पास, जीरो, तो भी कोई मतलब नहीं है, तो ये तो जीरो हो गया इधर तो। और अपॉन में डिस्टेंस वही आ गया, टू कॉमन ले लेंगे, रूट थ्री प्लस वन। तो फाइनली अपने पास में आ गया टू प्लस टू रूट थ्री, और डिवाइड में क्या है, टू प्लस टू रूट थ्री, यही है ना डिवाइड में। और उधर कितना है, टू रूट टू, और टू कॉमन लिया था तो रूट थ्री प्लस वन। तो देखो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, तो कैंसिल हो गए, वन आ गया, टू से टू कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया रूट टू डिवाइड में आ गया रूट थ्री प्लस वन। ये इसके क्या आ गए, इन सेंटर आ गए, सिंपल है। सेंट्रोइड तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीन कोऑर्डिनेट आपको दे रखे होंगे और सेंट्रोइड पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, मतलब इनको सबको प्लस करके थ्री से डिवाइड करना है। सबको कैसे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाली पार्टी को फिर थ्री से, और वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। तो सबसे पहले एक्स वन देखते हैं, एक्स वन थ्री है इधर फर्स्ट वाले, मतलब जो जो भी पहले लिखे हुए हैं सब एक्स है, डिवाइड में थ्री, और सेकंड वाले सब वाई है, तो फोर प्लस टू प्लस सिक्स डिवाइड में थ्री। तो अपने पास में आ गया सेवन प्लस एट, एट अपॉन थ्री, और ये हो गया फोर और टू सिक्स, और सिक्स ट्वेल्व अपॉन थ्री मतलब फोर। दिस इज सेंट्रोइड ऑफ गिवन ट्राइंगल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।